और अब पत्थल गांव से बड़ी खबर है। यहां पर हथकड़ी के साथ चोरी के दो आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस टीम की मौजूदगी में ये आरोपी फरार हो गए। कांसा बेल थाने के एसआई और आरक्षक को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। अन्य दो आरक्षकों को भी लाइन अटैच किया गया है। जशपुर एसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। बाइक चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जो कि हथकड़ी से फरार हो गए। हथकड़ी के साथ ये जो चोरी के आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। पुलिस टीम की मौजूदगी में ये आरोपी फरार हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश बताएं कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? जी मैं आपको बताऊं कि कांसाबेल पुलिस को बाइक चोरी का गिरोह के तीन आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली थी और इनके पास से कांसाबेल पुलिस ने एक चोरी की बाइक को भी बरामद किया था और तीन चोरों के पास में और यहाँ पर जो टेलीफोन के टावर होते हैं और इनसे बैटरी चोरी करने का भी पुलिस को सुराग मिल गया था। इसी सुराग का पता करने के लिए इन दो जो आरोपी हैं इनको लेकर पुलिस की पूरी टीम, उसमें एक एसआई भी था, स्कॉर्पियो वाहन में इनको लेके सराई टोला एक गाँव है वहां पर इनसे तस्दीक करने के लिए ले जाया गया था। लेकिन वहां पर पुलिस की कहीं ना कहीं असावधानी की बात सामने आ रही है जिसकी वजह से एक जो इसमें आरोपी था वो उसको हथकड़ी लगी थी जबकि दूसरा बिना हथकड़ी के था और ये दोनों ही पुलिस को चकमा देकर और ये लोग वहां पर फरार हो गए। इसके बाद में जब पुलिस ने उनके आसपास में लोगों के मदद से काफी खोजबीन की गई लेकिन ये जो फरार हुए दोनों चोरी के आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सके। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन मोहन सिंह ने इसमें तत्काल कार्रवाई की है। उसमें पुलिस के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको सभी उसको निलंबित करने के साथ में और बाकी लोगों को लाइन अटैच करने की कार्रवाई की है। फिलहाल ये चोरी के जो आरोपियों के पुलिस ने रायगढ़ जिले के लहलुंगा और दूसरे जगह में भी लगातार दबिश दी लेकिन अभी तक इन चोरों का कहीं भी पता नहीं लग सका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखें। तो हथकड़ी के साथ चोरी के दो आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कड़ा एक्शन भी इस मामले में ले लिया गया। कांसाबेल थाने के एसआई और आरक्षक को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है।